शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी भीड़ा पुस्तकधारिणी महाधा जाड्यांधकार हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी ओम शांति 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 शंभो एक पद अथ षड्लिंगेषु अजंत पुलिंगः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृत्तधित समासाश्च ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सुपः द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने विरामोवसानम् स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नादिचि बहुषु बहुवचनम् चुटु विभक्तिश्च न विभक्तौ तुष्मः एकवचनं समुद्धिः यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् एं ह्रस्वात् सम्बुद्धेः अमी पूर्वः लसक्व तद्धिते तस्मात् छसो नः पुंसि और कुप्वाग्नं व्यवायेपि पदान्तस्य टागसिगसामिनात् स्यः सुपि च अतो भिष एष गैर्यः स्थानि बदादेशो नल्विदौ। फिर अनल बोल रहे हो, कल बोला मैंने अनल ना बोलो। स्थानी बदा देशो नल विधो बहुवचने झल्येत वावसाने ओषिच हर्ष्व नद्यापो नोट नामी आदेश प्रत्ययोः। यहाँ तक राम शब्द का होता है। तो कौन सी विभक्ति हम लोगों ने देखा है? पंचमी। हाँ पंचमी है। पंचमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन है ना। पंचमी का एक वचन में कितना रूप है? है तो दो, चार भी हो जाता है। दो तकार दो दकार ऐसा भी हो जाता है। अनाचिच जब लगाओगे, क्या अनाचिच जब लगाओगे
क्या होता है? अच परस्य यरो देवास्तः न तो अची। तो अज वर्ण हो गया माँ का आ, हैं अज वर्ण हो गया माँ का आ, आ के बाद में तकार है कि नहीं, तकार यर में आता है, आता है, उसके बाद अज वर्ण है नहीं है, इसलिए तकार को क्या हो जाएगा, दित्तो हो जाएगा, तो दो तकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो तकार हो जाएगा। इसी प्रकार दकार में भी ऐसा होता है, दो दकार भी हो जाता है, समझ में आया। अच्छा, ये पंचमी का एक वचन हुआ रामात रामात, ठीक है। पहले तो तकार था, पहले तक राम प्लस क्या था, घसी, घसी का क्या शेष रहता है, अस रहता है, अस को क्या आदेश हुआ, आद, किस सूत्र से, टाक घसी के साथ मीनाथ से, क्या सूत्र, मीनाथ से आत हो गया, किसके स्थान पर, अस के स्थान पर क्या आदेश हुआ, आत, कितना रहा, राम प्लस आत, अकस्मने दीर्घ तो क्या होगा, रामात, हैं। और तकार को पहले, सबसे पहले क्या होता है, हैं, तकार को सबसे पहले क्या होता है, बोलो, नहीं, तकार को तकारी होता है, चर आदेश होता है, क्या सूत्र, बावसाने से, बावसाने सूत्र से विकल्प से क्या होता है, हैं, तकार हो गया, क्या हो गया, विकल्प से तकारी हुआ, या जिस पक्ष में चर नहीं होता है उसी पक्ष में क्या हो जाता है, तकार को दकार हो जाएगा, जस होने पर दकार हो जाएगा, जलान जो सुनते, तो बावसाने किसका अपवाद है, जलाम जसमते सूत्र का अपवाद होता है, कौन सूत्र, बावसन, बावसना से जो चर्त विधि होती है, चर्त विधि जस्त विधि के प्रति क्या है, अपवाद, असिद्ध बोला मैंने, लिख लो, चर्त विधि बावसाने से होने वाली चर्त विधि, वावसान से होने वाली चर्त्व विधि जस्त्व विधि के प्रति अपवाद है, जस्त्व विधि के प्रति अपवाद है, क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो कौन सा सूत्र, किस सूत्र के प्रति अपवाद हुआ, बावसाने सूत्र जलाम जसंते सूत्र के प्रति क्या है, अपवाद है, और वो क्या होगा, जलाम जसंते सामान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र को, उत्सर्ग सूत्र को क्या कहेंगे, सामान्य को अथवा उत्सर्ग, क्या बोलेंगे, उत्सर्ग पर्याय है ये, ठीक है। तो उत्सर्ग जो सामान्य सूत्र है वो कहाँ लगेगा, फिर जब अपवाद सूत्र नहीं लगेगा तब लगेगा सामान्य सूत्र, हो गया कि नहीं, हैं, हाँ, जहाँ पर कार्यक्रम वगैरह भी होता है, जब विशेष लोग बैठते हैं तब जा करके सामान्य लोग बैठते हैं, ये व्यवहार होता है कि नहीं, पहले कौन बैठेगा, पहले विशेष लोग बैठते हैं, उसके बाद सामान्य लोग बैठते हैं, नहीं, इस प्रकार कहें कि ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो पहले कौन लोग बैठते हैं, जो सीनियर सिटीजन वाले हैं, माताएं हैं, वो लोग पहले बैठते हैं उसके बाद बाकी लोग बैठते हैं, ये नियम होता है। इसी प्रकार से अपवाद जब लगेगा, हैं, तो उसी पक्ष में सामान्य नहीं लगेगा, हैं, मतलब अपवाद को छोड़ करके, मतलब जहाँ पर अपवाद नहीं लगेगा वहाँ पर सामान्य लगता है, हो गया, हाँ, पहले बताया था नियम, अपवाद विषम प्रकल्प्य उत्सर्ग ततो उपनिविशते। चलो, दो रूप हो गया रामात रामात। उसके बाद पंचमी का द्विवचन क्या होता है, भ्याम, राम प्लस भ्याम, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है, जैसे तृतीय द्विवचन में क्या बना, रामाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में भी रामाभ्याम, पंचमी द्विवचन में भी रामाभ्याम, क्या सूत्र लगा, सुपीच, क्या सूत्र लगा, राम प्लस जो भ्याम है, तो यहाँ पर म के अकार को क्या हुआ, दीर्घ, क्या सूत्र, सुपीच,
सुपी च क्या बोला, यादव सुपी अतंगस्य दीर्घ, यादि सुप कौन है, भ्याम, भ्याम हो गया यादि सुप, क्योंकि भ्याम के भकार य प्रत्यय में आया तो यादि सुप प्रत्यय हो गया भ्याम। ऐसे यादि सुप जो भ्याम है ऐसे भ्याम परे रहते पूर्व अकारांत अंग कौन है, राम, तो राम के अंतिम जो अकार है म में अकार उसको दीर्घ करने पर क्या होगा आ, तो क्या बन गया रामाभ्याम। ठीक है, अरे ये भ्याम के जो मकार है उसको द्वित्व होगा, भ्याम के मकार को भी द्वित्व होता है क्या समय में, भ्याम के मकार को भी द्वित्व होता है क्या सूत्र, अनाचित से द्वित्व हो जाता है, नहीं दिया है लेकिन समझ करके रखो, दो बार मकार भी कर सकते हो विकल्प से, समझ में आया, एक मकार भी होगा दो मकार भी होगा। ठीक है, लोगों में नहीं दिया है, ज़्यादा क्लिष्ट करेंगे तो कौन पढ़ेगा, इतना इतना छोटा करने पर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं लघु, तो बड़ा करेंगे तो कौन पढ़ेगा फिर, नहीं पढ़ेंगे ना, नमस्ते बोलेंगे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, रामा प्लस बहुवचन में क्या होता है, भ्यास होता है, रामा भ्यास हो गया बहुवचन में, बहुवचन रामा प्लस भ्यास। तो चतुर्थी बहुवचन में क्या बना था, रामे भ्यः, पंचमी बहुवचन में भी रामे भ्यः हो जाएगा। तो एकार कहाँ से आया, बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत से म में जो अ है उसको ए हो गया, एकार आदेश हो गया क्या सूत्र, बहुवचन झलादि बहुवचन है सुप, झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय कौन है, भ्यास। ऐसे झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय हो गया भ्यास, उसके पूर्व में अकारांत अंग हो गया रामा, इसलिए रामा में जो अंतिम अकार है अ उसको क्या हुआ ए, तो क्या बन गया राम भ्यस, तब भ्यस के सकार को रू, रू के रेफो को विसर्ग किसे, खरवसान और विसर्ज निय, तो क्या बन गया रामेभ्य, चतुर्थी बहुवचन में रामेभ्य, पंचमी बहुवचन में भी रामेभ्य, समान हुआ। ठीक है, अच्छा ये तो पंचमी का हो गया, पंचमी पूरा क्या हुआ, रामात रामाद तकार भी दकार भी, रामाभ्याम रामे भ्यः हो गया। अब क्या है षष्ठी, षष्ठी कब आती है, संबंध में षष्ठी आती है, संबंध है ना, षष्ठी सूत्र है कि नहीं, षष्ठी सूत्र है। तो जो है उससे क्या हो जाएगा, हाँ षष्ठी भक्ति हो जाती है। षष्ठी कि षष्ठी शेषे है, षष्ठी शेषे है, षष्ठी सूत्र से तत्पुरुष समास होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ये सूत्र है षष्ठी शेषे, बराबर है। हाँ षष्ठी शेषे है ना, षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी होते शेष अर्थ में, शेष मतलब क्या है संबंध, शेष का अर्थ संबंध, संबंध अर्थ में षष्ठी भक्ति होती है, और भी षष्ठी भक्ति बहुत सारे अर्थ में होती है, पहले ले लो संबंध अर्थ में, हाँ रामस्य भक्त देवदत्त रामस्य भक्त संबंध है कि नहीं, है ना, स्वामी भक्त संबंध है, स्वामी हो गया परमात्मा राम, कल का श्लोक याद है, राम शब्द का अर्थ याद है, व्हाट्सएप में मैंने डाल दिया है, बोलो नहीं याद है, कल नहीं लिखे थे आप लोग, हाँ कोई भी याद नहीं किया हो, देख कर बोलो बोलो, सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते, ये होता है किस उपनिषद का है मालूम है,
राम पूर्वतापी उपनिषद, राम पूर्वतापी उपनिषद ऑनलाइन वाले देखिएगा, व्हाट्सएप में है। ठीक है, राम शब्द का परमात्मा होता है, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसको कहते हैं राम। ठीक है, तो रामस्य भक्त कहेंगे, तो यहाँ पर संबंध है कि नहीं, देवदत्त और राम जी में संबंध है। ठीक है, हो गया ना, रामस्य हनुमान, हनुमान जी किसके हैं, राम जी के, हो गया ना। तो रामा प्लस क्या है, गांस, देखो रामा प्लस गांस है, तो रामा प्लस जो गांस है, गांस का क्या रहेगा, औस रहेगा, गोकार की संज्ञा लसको तद्धिते, है ना। तो गोकार की संज्ञा क्या, इसका प्रयोजन है आगे बता जाएगा, यहाँ पर ही बता दिया, टा घसी के सामिना स्या, वहाँ पर गौस उच्चारण किया कि नहीं, नहीं तो गौसी और गौस का समान रहेगा तो फिर कैसे भेद करोगे, हो गए कि नहीं। अच्छा, अथवा जस में, जस का भी क्या रहता है, प्रथम बहुवचन जस का अस रहता है, अद्वितीय बहुवचन सस का अस रहता है, और जो षष्ठी वचन गौस है उसका भी औस रहता है, तो सब समान हो जाएगी कि नहीं, इसलिए इत संज्ञा जोड़ना पड़ेगा, इत वर्ण को जोड़ दिया, जस में इत वर्ण जकार, और सस में सकार इत वर्ण, और घस में घकार इत वर्ण, समझ में आया, समझ में कि नहीं, ये होता है, मतलब जस और सस के औस को हटाने के लिए घस में घकार की इत संज्ञा होती है, समझ में बात को। अच्छा, औस रहा, और सूत्र पहले गया था टा घसी घसा मीना स्याहा, उससे क्या होगा, स्य आदेश हो जाएगा, किस सूत्र से, ये किसके स्थान पर, हाँ जो घस का औस है उस औस को आत आदेश हो जाएगा, सर्वादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ तो लिख लो, तो स्य आदेश अनेकाल होने से, स्य आदेश अनेकाल होने से सर्वादेश होगा, सर्वादेश होगा अर्थात अस के पूरे के स्थान पर होगा, अस के, है ना, अस के पूरे के स्थान पर होगा, हो गया, क्या होगा, घास का जो अस है कि नहीं, वो पूरा हट जाएगा और कौन बैठ जाएगा, स्य बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामस्य, बस क्या बन जाएगा, रामस्य बन जाएगा, कौन सा हुआ ये, षष्ठी का एक वचन में बन गया रामस्य, है ना शंभु। अच्छा, और अब आगे जो है षष्ठी का द्विवचन राम, आगे ओस हो, राम प्लस ओस, ठीक है, तो राम प्लस जो ओस है, राम का अ और ओस का ओ, ओस में जो सकार है उसकी संज्ञा होगी, नहीं होगी सकार की, क्यों नहीं होगी, न विभक्त हो उसमें, ओस विभक्ति ना है, तो विभक्ति का सकार होने से उसकी संज्ञा नहीं होती है, नहीं तो हलंतम से ही संज्ञा हो जाती, किसकी, सकार की, और तस्य लोपो से लोप हो जाता है, तभी विभक्ति का सकार होने से उसके सकार की संज्ञा नहीं होगी, तो राम प्लस ओस, राम का अ, ओस का ओ, संधि में क्या प्राप्त है, पूर्व में अवर्ण हो अपर में ओकार हो तो क्या प्राप्त होता है, वृद्धि रेचि सूत्र प्राप्त होता है कि नहीं, क्या प्राप्त है, वृद्धि रेचि सूत्र प्राप्त है, नहीं। अच्छा, और एक सूत्र है अदेंग गुण, अदेंग गुण नहीं, अतो गुण, क्या
क्या सूत्र? अतोगुण मालूम है, अतोगुण क्या करता है? अपदांत अकार से परे गुण वर्ण हो, क्या हो? अपदांत अकार से परे गुण वर्ण हो तो क्या होता है? अतोगुण पररूप, पररूप आदेश होता है, क्या होता है? पररूप आदेश होता है ना, यानी वृद्धि रुचि का भी अपवाद हो जाएगा। तो पर में गुण है क्या? गुणा किसको बोलते हैं? अ ए ओ, उसका ओ क्या है? गुणा है, इसलिए पररूप हो जाता है, क्योंकि अपदान तो आकार हो गया, मौका आकार, तो अतोगुण सूत्र प्राप्त है, ये कह सकते हो। लिखो, अतोगुण सूत्र प्राप्त है ना संभव? क्या प्राप्त है? अतोगुण सूत्र प्राप्त है, ठीक है। अब सूत्र आ रहा, देख लो, ओ सिच, दो पद है, ओस का ओसी बनेगा, ओस सकार, ओस शब्द का सप्तमी एक वचन ओसी, अच हो गया अव्यय, च हो गया अव्यय, ठीक है। इसका नंबर क्या है? 7-3-104। इसके ऊपर सूत्र कौन है? बहुवचन झल्ले, देखो 103 है कि नहीं, हो तो बहुवचन झल्ले जो है वो क्या बोला, बोलो? पर में बहुवचन झलादि सूप हो, झलादि बहुवचन सूप हो तो पूर्व अकारांत अंगों को एकार आदेश करेगा। और ये बोलता है ओस प्रत्यय परे रहते भी, इतना बोल रहा है, चौकाने से क्या हुआ? और अथवा भी, सुन रहे हो? पहले कह दिया झलादि बहुवचन सुप्रत्यय परे रहते, पूर्व अकार को मतलब अकारांत अंग को एकार करेगा, रामे भी बना कि नहीं। और ये सूत्र क्या बोलता है? ओसी चकेने से ओस प्रत्यय परे रहते भी, क्या ओस प्रत्यय परे रहते भी क्या हो जाएगा? पूर्व को एकार, किसको? पूर्व कौन? हाँ, अदांत अंग को हो जाएगा, समझ में आया ना? हाँ, मतलब ओ सूत्र और ये सूत्र कार्य एक ही है और स्थानी भी एक ही है, केवल परनिमित्त अलग अलग है। क्या अलग अलग है? तो बहुवचन झलद में परनिमित्त क्या है? झलादि बहुवचन शुभ और ये ओस, इतना ही बोलते हैं, है ना? तो ये कह रहा, देखो अतो अंगस्य एकार, बोलो अतो अंगस्य एकार, अतो अंगस्य एकार, अर्थ लिखो, ओस प्रत्यय परे रहते, ओस प्रत्यय परे रहते पूर्व अकारांत अंग को, पूर्व अकारांत अंग को, पूर्व अकारांत अंग को किसको? पूर्व अकारांत अंग को एकार आदेश हो, क्या आदेश हो? एकार आदेश हो, ठीक है, क्या आदेश हो? एकार आदेश हो गया ना? तो जैसे जैसे रामा प्लस ओस, राम को गोल करना है राउंड, और क्या लिखना है? अकारांत अंग, राम हो गया अकारांत अंग, क्योंकि अंत में अकार है, क्या कहाँ है? मौका अ है, अकार है, अकारांत अंग हो गया राम, उसको एकार होगा, तो राम में कितने वर्ण है? चार है ना? तो किसको होगा? अंतिम अल वर्ण को होगा, अंतिम अल वर्ण कौन है? अंतिम वर्ण कौन है? म में अकार है, उसको एकार हो जाएगा, तो क्या होगा? रामे आगे ओस, लिखो रामे प्लस ओस, रामे प्लस ओस,
रामे का ए, आगे उसका ओ, संधि में क्या लगता है नारायण? रामे का ए आगे उसका ओ, एचो यवा या वह, क्या सूत्र है? कहाँ पर है? संज्ञा प्रकरण में और संधि में आया है ना। तो रामे के ए को क्या होगा? अयव आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अयव, अयव, य हल है। अय किसके स्थान पर होगा? एकार के स्थान पर अय, तो रामय, रामय यकार हल है, व्यंजन है। रामय आगे उस जोड़ दो, जोड़ दीजिए, क्या होगा? रामयोस। जोड़ने पर क्या होगा? रामयोस। और सकार को रू, सकार को रू, सजुषो रूह, सजुषो रूह से रू आदेश होगा। किसको? सकार को। रू का क्या शेष रहता है? रेफो। रेफो मतलब व्यंजन बनना। हाँ, आधा र, हिंदी में बोलते हो आपको आधा र, पूरा र बोलते ना, आधा पूरा आधा मतलब व्यंजन है कि नहीं? तो वो जो आधा र र है, रेफो है, उसको क्या होगा फिर? विसर्ग। किससे? खरवसानी और विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? रामयो। क्या बनेगा? रामयो बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये रूप। किसका रूप हुआ? षष्ठी का द्विवचन रामयो हो गया। अच्छा, षष्ठी का बहुवचन में क्या प्रत्यय आता है? आम है, गांस ओस आम, ये होता है, तो आम प्रत्यय आ गया। आम क्या है? ये आम क्या है? सुप है, प्रत्यय है, सुप प्रत्यय, आम हो गया सुप प्रत्यय, है कि नहीं? तो राम प्लस आम, तो रामा प्लस आम में सूत्र एक ठो आ रहा है। देखो भाई, रामा प्लस आम, अकस्वना दीर्घ प्राप्त है, संधि में क्या प्राप्त है? अकस्वना दीर्घ प्राप्त है। ठीक है, सूत्र आ रहा है, देख लो। हर्ष नद्यापो नोट, तो हर्ष नद्यापो नोट में दो पद, हर्ष नद्यापो नोट में दो पद है, तो हर्ष नद्यापह एक पद हुआ, दूसरा पद है नोट। दूसरा पद क्या है? नोट है। पहला हो गया हर्ष नद्यापह, पहला क्या है? हर्ष नद्यापह। ठीक है, पंचमी का एक वचन क्या है? पंचमी का एक वचन। पाठ चल रहा है भाई, पाठ चल रहा वो सीख ले आए थे हम, है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो एक से लोग आते हैं भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए ना। तो देखो, हर्ष नद्याप पकारांत हो गया, हर्ष नद्याप पकारांत हो गया। ठीक है, तो पंचमी का एक वचन हो गया हर्ष नद्याप, हर्ष नद्याप। कोई आएगा ना ऐसे, आप कोई धीरे से तुरंत जाना, धीरे से बोलना है कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में आना। क्या मुझे बोलने की जरूरत नहीं? आप लोग कोई भी उठ करके जाना और उनको धीरे से बोल देना भी, बाद में आना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पाठ चल रहा है। ठीक है, चलो। तो हर्षन अध्याप इस शब्द का पंचमी वचन हो जाएगा हर्षन अध्याप, हो गया ना। दूसरा हो गया नूट, प्रथमा का एक वचन, नूट हो गया प्रथमा का एक वचन। ठीक है, तो
अंगस्य का अधिकार है, किसका अधिकार है? अंगस्य का अधिकार है, ठीक है नारायण। ये जो अंगस्य विभक्ति क्या है? षष्ठी का एक वचन, उसको पंचमी कर लो, विभक्ति का विपरिणाम कर लो। क्या? विभक्ति का विपरिणाम कर लो तो क्या हो जाएगा? अंगात। उस अंगात का विशेषण हर्ष होगा, लिखो, अंग का विशेषण हर्ष पद होगा, अंग का विशेषण हर्ष पद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हर्षक विशेषण हो जाने से क्या होगा? अंग क्या होना चाहिए? हर्षांत। क्या होना चाहिए भैया? हर्षांत होना चाहिए, ठीक है। तो क्या अर्थ हो जाएगा आगे लिखते हैं, वृत्ति देख लो। हर्षांतात् नद्यन्तात् आवन्ताच्च अंगात् परस्य आमो नुडागमा। पढ़ो। अंगात् परस्य आमो नुडागमा। और आमे की भी अनुवृत्ति आती है, किसकी आती है? आमे की। आमे की अनुवृत्ति कहाँ से आएगी? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। आमे सर्वनामना सूट, बस क्या है? आमे सर्वनामना सूट, उससे आमे की अनुवृत्ति आ जाएगी, ठीक है भैया। और ये जो अंग है ना, अंग का विशेषण कौन हो गया? पूरा लिख दो, हर्षवादि पूरा लिख दो, केवल हर्षो नहीं, हर्षवादि लिख दो। हर्ष भी हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा, आप भी हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। तो अर्थ क्या होगा लिख लो, हर्षवांत अंग, हर्षवांत अंग। एक हो गया हर्षांत अंग। दूसरा है नद्यंत अंग, नद्यंत अंग। नदी क्या बताऊंगा मैं, नद्यंत अंग। तीसरा है आप प्रत्यंत अंग, आप प्रत्यंत अंग। कितना हुए? तीन। पहला हो गया हर्षांत, दूसरा हो गया नद्यंत, तीसरा हो गया आप प्रत्यंत अंग। तीन हो गए है ना। इससे परे, इससे परे आम प्रत्यय को, आम प्रत्यय को नूट आगम होता है, आम प्रत्यय को नूट आगम होता है। क्या होता है? नूट आगम होता है। हो गया। जैसे राम प्लस आम, जैसे राम प्लस आम क्या है? राम प्लस आम। तो गोल करो राम को, क्या लिखेंगे? हर्षांत, हर्षांत अंग। राम में अंतिम वर्ण क्या है? अकार है, तो राम हर्षांत अंग, अंग हुआ कि नहीं हुआ? अंग हो गया, तो हर्षांत अंग राम है, उससे फिर आम प्रत्यय है, तो आम को क्या होगा? नूट आगम हो जाएगा। क्या होगा? आगमाः मित्रवत भवन्ति, तो नूट आगम है इसलिए मित्र की तरह होगा, मतलब स्थानी को नहीं हटाएगा। क्या? स्थानी को नहीं हटाता है, तो नूट का क्या रहता है?
नकार शेष रहेगा, टकार की संज्ञा हलंत्यम उकार की संज्ञा क्या रहा है, तो नकार रहा, क्या रहा, नकार रह गया। सुनते हो भाई क्या रहा, हाँ नकारी शेष रहा, ठीक है। हाँ नूट में उकार की संज्ञा नहीं है, उच्चारण के लिए लिखो, टकार की संज्ञा है हलंत्यम से, उसका कार्य है अभी बताएंगे। और नूट में उकार वो इस संज्ञा नहीं है, वो उच्चारण के लिए, किसके लिए है, उच्चारण के लिए है, ठीक है। तो नूट का क्या रहेगा शेष, नकार। टकार की संज्ञा किया, टकार की इस संज्ञा किस लिए किया, आद्यंतो टकितो, स्थानी का आदि अवयव करने के लिए, है ना, स्थानी का आदि अवयव करने के लिए नूट में टकार की इत संज्ञा है, लिख लो। आगम को ऐसा लिखो, आगम को स्थानी का आम, स्थानीय आम का ऐसे लिखो, स्थानीय आम का आदि अवयव करने के लिए, आदि अवयव करने के लिए नूट में टकार की इत संज्ञा हुई, नूट में टकार की इत संज्ञा हुई, हो गया। नूट में टकार की संज्ञा क्यों की गई, आम के आदि अवयव करने के लिए, मतलब आम के आदि में बैठेगा, आम के आदि में बैठेगा कौन, नूट आगम, मतलब नूट का नकार, ठीक है नारायण। तो क्या हुआ, रामा प्लस आम में आम हो गया स्थानी, आम क्या है स्थानी, है ना, स्थानी का आदि वर्ण कौन है, आकार है, है ना, तो आकार से पहले बैठेगा, किससे पहले बैठेगा, आकार से पहले बैठेगा। तो क्या होगा, नकार आगे आम, लिख लो नकार आगे आम, नकार है कि नहीं, आगे आम, नकार को जोड़ दिया आ के साथ, तो क्या होगा, नाम, क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। और सूत्र में जो आम को जो नूट आगम हो रहा है, आम से क्या लेना है बोलो, षष्ठी बहुवचन आम को लेना है, किसको लेना है, षष्ठी बहुवचन आम को लेना है, दूसरा कोई आम प्रत्यय हो तो नहीं होगा, क्या सुन रहे हो, आगे जो आएगा सप्तमी एक वचन है कि नहीं, घी, क्या है, घी, घी को कहीं कहीं आम आदेश हो जाता है, क्या होता है, गैराम नद्याम निभ्य, जैसे नदी शब्द है कि नहीं, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन क्या बनता है, नद्याम। और गौरी का, गौरी शब्द है, गौरी शब्द का सप्तमी एक वचन क्या बनता है, गौरियाम। घी को आम आदेश होता है, घी को आम आदेश हो जाता है, तो उस आम को यहाँ पर नहीं लेना है, घी के स्थान पर होने वाला आदेश आम को नहीं लेना है, किसको लेना है, आम को, आम से षष्ठी का बहुवचन जो आम है उसको लेना है, उस आम को नूटागम होगा, ठीक है। ये महावास्य में स्पष्ट है, कहाँ पर, महावास्य। चलो, तो राम प्लस आम है, आम के आकार, आकार को नूट हो गया, तो क्या बनेगा, राम प्लस नाम, लिखो आगे, राम प्लस नाम, हो गया ना। अच्छा, ऐसा होने पर, ऐसा होने पर क्या होने पर, राम प्लस नाम, ऐसा होने पर अच्छा, सूत्र आता है, नामी, 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 नाम का नामी, सप्तमी वचन हो गया नामी, दीर्घ की अनुवृत्ति आएगी, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, क्या, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। और ये सूत्र अंग के अधिकार में, अंगस्य
लिखो अंगस्य, कोष्टक लिख दो अंगस्य, कोष्टक लिख दिया। और सूत्र में नाम ही है ही, अंगस्य आगे हो गया नामी, और अनुवृत्ति किसकी आई, दीर्घ, दीर्घ की आगे। ठीक है, ढलोपे पूर्वशः दीर्घ, सूत्र गया कहाँ पर गया, हल संधि में गया, विसर्ग संधि में गया, तो वो दीर्घ वहाँ पर आए, वो दीर्घ पद की अनुभूति आएगी यहाँ पर अष्टाधिक क्रम से। अच्छा, ये सूत्र दीर्घ आदेश कर रहा है, क्या आदेश कर रहा है, दीर्घ आदेश कर रहा है। किसके स्थान पर तो कहा नहीं, अंगों के स्थान पर इतना कहा, कौन सा वर्ण के स्थान पर ये तो नहीं कहा है कि नहीं। हाँ, तो क्या होगा फिर, अचश्च, क्या परिभाषा है, अच्छा, मतलब दीर्घ आदेश कहाँ पर होता है, अच के स्थान पर होता है। दीर्घ आदेश कहने पर ही अच अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ अच, ये पद आ जाता है, कौन पद आ जाएगा, अच, ये षष्ट्यंत अच है वो आ जाता है, सुन रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अच विशेषण हो गया किसका, अंगस्य लिख लो, अच विशेषण हुआ अंगस्य का, अच विशेषण हुआ अंगस्य का, ठीक है। इसलिए इसलिए सूत्र का अर्थ ऐसा है, सूत्र का अर्थ ऐसा है, कैसा है अब लिखो, अजंत अंग के स्थान पर, अजंत अंग के स्थान पर नाम परे रहते, नाम परे मकार आधा, नाम परे रहते, नाम नहीं कह रहा हूँ, नाम, नाम परे रहते दीर्घ आदेश हो, दीर्घ आदेश हो, तो नाम शब्द से लिखो जल्दी, नाम शब्द से नूट आगम हुआ हो, नाम शब्द से आम को नूट आगम हुआ हो, ऐसा लिखो, नाम शब्द से आम को नूट आगम हुआ हो, ऐसे नाम को लेना है, ऐसे नाम को लेना है, ठीक है। और जो नाम होता है राम नाम, उसको नहीं लेना है, राम जी का नाम है, तो राम के पास नाम का नाम है, हुआ कि नहीं हुआ, राम आगे क्या है, नाम, यस, रामस्य नाम, रामस्य नाम, राम नाम, तो राम के बाद नाम है कि नहीं, ओकार को छोड़ दिया, नाम में ओकार को छोड़ दो अंतिम को, तो क्या रहेगा, नाम रहेगा नहीं रहेगा, तो ऐसा नाम मिल गया तो वहाँ पर नहीं लगेगा, इसलिए कहा ना नूट आगम हुआ हो, नूट आगम किसको होता है, आम को होता है ना, ऐसे नूट आगम हुआ हो आम को, ऐसे नाम को ले लिया जाना है, हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, राम के अ को अजंत अंग हो गया राम, राम को गोल करो, और क्या लिखना है, राम को गोल करके क्या लिखना है, शंभु, अजंत अंग, अजंत अंग मतलब क्या हुआ, जिस अंग के अंत में अच बनना हो, स्वर बनना, उसको अजंत अंग, अकारांत अंग नहीं, अजंत कहने से कोई भी अच बनना हो, चाहे अ हो आ हो ई हो कोई भी हो, सर्वत्र ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो अजंत अंग हो गया राम, तो राम के अ को क्या हुआ, आ दीर्घ हो गया ना, तो लिख दो फटाफट, रामा रामा आगे नाम, रामा आगे नाम, ठीक है नारायण। अब क्या होगा, वो सूत्र गया था ना, अट कूपांगनम व्यवायेपि, उससे नाम के नकार को क्या होगा, अणकार हो जाएगा, क्या सूत्र, अट कूपान व्यवायेपि से
नाम के नकार को णकार हो गया तो क्या बन गया, रामायणाम, क्या हो गया, रामायणाम हो गया। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति क्या हुई, रामस्य रामयोः रामायणाम। और वो थोड़ा हम समझा देंगे, हर्ष नद्या पुनुट, हर्षांत तो हो गया, नद्यंत तो क्या है, आवंत तो क्या है, उसको कॉल करते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपञ्चवारम् उद्धर्तुम्।